मार्केट में टिप के ऊपर नहीं चलना है। आजकल इतने सारे टिपबाज लोग हो गए हैं कि जिसकी वजह से कई सारे इन्वेस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे भाई, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000 रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, और इतने सवाल, इतने जवाब, इतने टिप्स लोग देख लेते हैं कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो भैया हो, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, टिप के चक्कर में नहीं पड़ना। वहीं पर ही एक टॉपिक है, ओवरलैपिंग इन म्यूचुअल फंड। अब ओवरलैपिंग इन म्यूचुअल फंड कई लोग करके आपको ऐसे डरा देंगे। एक तो इंडिया में वैसे भी मैंने बताया हुआ है कि आपको कि खाली 3 से 4% आदमी इन्वेस्ट करते हैं, ऊपर से डराने वाले, अरे ओवरलैपिंग हो जाएगा, अरे तुम्हारा गेन इफेक्ट हो जाएगा, अरे तुम्हारा ये हो जाएगा। साल भाई, इनकी ऐसी की तैसी। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, बताने का चक्कर यह है कि आप बताइए ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग कितने का हो जाएगा। देखो, ओवरलैपिंग वहां पर माना जाता है जब जहां पर 2-4 करोड़ रुपया आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, तब आपको माना जाता है यार इतना हैवी अमाउंट अगर इसमें अफेक्ट हो गया तो उसके बाद में क्या होगा कि हाँ, अगर उसमें कोई इशू आता है तब जाकर के प्रॉब्लम आएगी। देखो, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख को इन्वेस्ट करने के लिए, 20 लाख को इन्वेस्ट, कहीं पर 50 लाख को भी इन्वेस्ट करने के लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, लार्ज कैप कंपनियों का आप उठा करके देख लीजिए कि आपको टॉप के 100 कंपनीज में उनका पैसा लगना है 70%। अब आप मान करके चलिए, क्योंकि ये तो गाइडलाइन है किसका, सेबी का। अब लोगों को जानकारी नहीं होने की वजह से लोग क्या करते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं किसके, जो कि चालबाज लोग हैं। हालांकि मैं वो मुझे नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अभी उनका क्या हित है मैं नहीं समझ सकता। अब आप बताइए कि लार्ज कैप जैसे फंड हो गया आपका, तो उसमें कई सारे सेक्टर्स के उसी में ही लगाने हैं। अब फंड मैनेजर की मजबूरी है, उसी में ही उसको लगाना है। मामूली सा उसके पास मिड कैप आएगा, मामूली सा उसका स्मॉल कैप आएगा, और वहीं पर ही एलोकेट कर देगा। अब जो भी आप उठाओगे सारे में वही मिलना है। तो मान लिया, सपोज करो आपको 2 लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप लेना है, तो क्या करेगा आदमी जिसकी एज थोड़ी सी हो गई है, 50 साल, 60 साल हो गई, 65 साल हो गया, वो तो ज्यादा ज्यादा क्या कोशिश करेगा भाई लार्ज कैप में और फ्लेक्सी कैप में, और इसमें लेगा जो आर्बिट्राज वगैरह में लेगा, वो लेगा ना। तो फिर भैया आप बताइए, ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग करके क्यों आप लोग परेशान हो रहे हो? ओवरलैपिंग मीन्स जब हैवी अमाउंट है तो ये एक जगह पर ही वो ना हो जाए, इसकी वजह से होता है। तो हम ये देख लेते हैं कि आखिर में कितना ओवरलैपिंग का क्या फर्क पड़ता है। ओवरलैपिंग का सबसे पहला जो आपका फर्क पड़ता है वो यही पड़ता है कि डिफरेंट जैसे सेक्टर हो गए। अब सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में कोई भी अगर फंड मैनेजर होगा तो फाइनेंस सेक्टर में लेगा। इवन क्या है, मिड कैप भी लेगी, स्मॉल कैप भी, जो स्मॉल फाइनेंस है वो भी लेगी, लार्ज कैप भी लेगी उसको। आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर लेना है। एफएमसीजी हो गया, वो लेना है। उसके बाद में आपका क्या नाम है, ये अपना फर्मा हो गया, वो लेना है। फिर आपका जो है ये अपना जो गवर्नमेंट की अपना पीएसयू जो होंगी, वो लेना है। फिर क्या ओवरलैपिंग करके करो, अरे यार किसी का परसेंटेज किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी का परसेंटेज थोड़ा सा कम होता है। हाँ, जब कार्पस बहुत ज्यादा है तो उसके बाद में वो आदमी अपने सीए से लेगा, अपने फाइनेंस एडवाइजर से लेगा, उसके बाद में वो फंड मैनेजर के चक्कर में क्यों पड़ेगा, वो डायरेक्ट जाकर के अपना शेयर में इन्वेस्ट करेगा। यार देखो, सीधी सी बात है, आप ये ओवरलैपिंग फैपिंग के चक्कर में मत पड़िए। ओवरलैपिंग का मैंने सीधा सा बता दिया, ओवरलैपिंग मतलब जो है आपका एक के ऊपर एक हो गया। एक के ऊपर एक क्या हो गया, आपने अगर 10 फंड आपने लिया है, 10 फंड में मान लिया 3-3% हो गया, तो 30% आपका हो गया। वो भी किस में चला गया, ब्लू चिप में, फाइनेंस में किस में चला गया, HDFC में चला गया, SBI में चला गया, ICICI में चला गया, IT में किस में चला गया, IT में ओवरलैपिंग होगा भी मान लिया तो किस में चला जाएगा आपका, इंफोसिस में चला जाएगा, SCL में चला जाएगा, TCS में चला जाएगा, विप्रो में चला जाएगा, तो क्या ओवरलैपिंग हो जाएगा यार? क्यों इन्वेस्टर्स को डराना है? डराना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वोलेटिलिटी को समझना है। जब आप जो उतार चढ़ाव जो होता ना, ये वोलेटिलिटी, तो जब आपका उतार चढ़ाव हो जाएगा तो उसको आपने समझना है कि इतना उतार आएगा, इतना चढ़ाव आएगा, और उसको ऑब्जर्व करने के लिए जैसे एक सॉकर होता है ना, उस सॉकर का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, वही इमरजेंसी फंड आपने करना है। बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं, इमरजेंसी फंड आपके पास है, आप 5-6 महीना आराम से झेल लोगे। इंश्योरेंस आपके पास है तो आप तसल्ली से, आपका परिवार उसको झेल लेगा, वो औने पौने में बेदबाज करके भागेगा नहीं। आपका मेहनत जो है, आपकी सोच जो है, मेन बात क्या है, आपका जो विजन जो है, आपका जो विजन है, आपका जो एम है, वो आगे बढ़ना चाहिए। ये बात मैंने आपको 10 बार बताई हुई है। तो अब हम देख लेते हैं अफेक्ट द गेन, क्या आपका गेन इससे अफेक्ट होगा? मेरे ख्याल से गेन आपका ना के बराबर होगा, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट नहीं करोगे तो उसके बाद में करोगे क्या? मैं सही बताऊं, सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि इंडिया में ना इन्वेस्टमेंट का जो सबसे बेकार मुझे लगता है क्या,
पहले क्या करेंगे, सपोज करो किसी के पास 100 रुपया, मैं मान लेता हूं क्योंकि मैथ वगैरह में आप मानते हो ना, 100 रुपया किसी के पास है, तो वो क्या करेगा 95 रुपए तक बाकी चीजें खरीद लेगा, क्या प्रॉपर्टी खरीद लेगा, गोल्ड खरीद लेगा। प्रॉपर्टी का मैंने बता दिया, प्रॉपर्टी अगर सही जगह पर है, आपके पास उतना पैसा है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। गोल्ड आपका महंगाई के अगेंस्ट है, उसके बाद में बैंक में FD कर देगा, फिर उसके बाद में मनी बैग की पॉलिसी ले लेगा, फिर ये सारा लेने के बाद में जब उसके पास क्या बचेगा, 5 रुपया बचेगा या 2 रुपया बचेगा ना, तो बोलेगा क्या सारा का सारा इन्वेस्ट कर दूं? अरे अब तुम्हारे पास बचा ही क्या यार खाकीराम, क्या इन्वेस्ट कर दूं? आप अगर लगाओगे नहीं तो आप पाओगे कहां से? लगाने के लिए आपको जुगानी टैक्स हमेशा समझाता है कि इस प्रकार से आप क्या करो, सेफ्टी लो और इसके प्रिकॉशन मेजर्स लो। मैं कभी भी एडिट फेडिट के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, ठीक है ना, आराम से आपको बनाता हूं और उसके बाद में जो मेरे को एक्सपीरियंस है, उसके बाद में अपने एक्सपीरियंस से प्लस स्टडी से आपको पक्का वही चीज बताता हूं जो कि बिल्कुल सही है। ये ओवरलैपिंग से कहीं पर आपके गेम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार। क्यों? अब मान लिया जो पर्टिकुलर जो है वो ले रहा है, जो शेयर ले रहा है वो आदमी नहीं है, आप बताइए आपका फंड मैनेजर अगर उसमें लगा रहा है तो सोच समझ करके लगा रहा है ना यार, उसको आइडिया है ना, रात दिन वो उसी चीज को सोच रहा है, उसी चीज का पेन ले रहा है, वो उसी से वो अपना गेन ले रहा है, तो उसको पता है ना, उसके ऊपर आपको भरोसा है ना। फिर उसने अगर लगाया हुआ तो ठीक है, तो आपका अफेक्ट कहां से गेन हो जाएगा? जब आपको ओवरऑल परसेंटेज हमने बता दिया, मैं फंड की भी बुराई इसीलिए नहीं करता हूं, क्यों? क्योंकि कितना भी गिरा से गिरा फंड है, अभी स्मॉल कैप का मैं आपको बताऊं कि आजकल लोग स्मॉल कैप कर रहे हैं, आने वाले समय में मानता हूं 4 साल 5 साल नहीं देगा गेन। तो अब आप ये सोच करके अगर स्मॉल कैप ले रहे हो, ये तो मेरे को वो बना देगा, 10 गुना दे देगा, निपॉन इंडिया ने 10 गुना कर दिया है, HDFC ने सॉरी SBI स्मॉल कैप ने जो है 9 गुना कर दिया है, आपका क्या नाम है सुंदरम है, उसने कितना किया है आपका 7 गुना किया है। तो 7 गुने में भी कोई तो वो नहीं है ना, कोई बुराई नहीं है ना। अब बोलो नहीं मैंने निपॉन में किया होता तो मेरा 10 गुना हो गया होता, मैं इसमें क्यों कर दिया, मर गया मैं। अरे भैया 10 साल में 7 गुना हो गया क्या कम है क्या? अरे उतना ही ग्रीड करो जितना क्यों है। अब अगली बार आप आगे तो वही फंड जो आपका 7 गुना किया है ना, वो आगे बढ़ जाएगा और वो आपका पीछे हो जाएगा। तो ये एक दूसरे की पटकनी चलती रहती है। अरे भाई फंड मैनेजर ने एक आंकड़ा लगाया है, जाएगा ओवरऑल ले जाएगा, ओवरऑल में सर क्या होता है थोड़ा सा उसमें सिनेरियो कभी कभी चेंज हो जाता है, चेंज होता है तो आपका फंड क्या करेगा, डाउन दिखने लगेगा। लेकिन फंड का सिलेक्शन का भी तरीका मैं आपको बताता हूं और मैं कई सारे वीडियो ला रहा हूं जिसको कि आप लोग देखेंगे तो पक्का लाभान्वित होंगे, आपके अंदर एक एनर्जी का संचार होगा। लेकिन दोस्तों जब आपके पास टाइम है, मैंने टाइम आपको बताया 5 साल से ज्यादा का टाइम है, तभी आप मार्केट में आना, नहीं तो कोई मतलब नहीं, फिर आप FD में डाल दो, बैंक में डाल दो। अगर आपको करना है, ओवरलैपिंग से आपके गेन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कंपाउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और उसके बाद में ओवरऑल कॉर्पस पर भी कोई नहीं इफेक्ट पड़ रहा है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और खिचड़ी आपकी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता, लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।